ओके सो फिलहाल हमारे को मिले हमारे कबीर पाजी, कैसे हो पाजी? और उसके बाद हमारा अराउंड 4 o'clock फ्लैग ऑफ होगा। चीजें इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस अबाउट है। पीछे इसका रेडिएटर रखा हुआ है कि इतनी बड़ी मशीन है। सो मेरे साथ हैं पाजी गुरमीत विरदी। पाजी कैसे हैं आप? हाय। ओके गाइस, ये खड़ी हमारे कबीर पाजी की रैंगलर। लो जी, अब ये निकली है बाहर नीचे की तरफ। बल्ले फोटो लो। Hey, yo, what's up everybody, क्या हाल चाल? सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और आने वाले इसमें एक दो व्लॉग्स और आएंगे। फिलहाल मैं चला हूँ पंजाब ऑफ रोडिंग क्लब ने जो एक बहुत बड़ा ऑफ रोडिंग इवेंट करवा रहे हैं फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट चंडीगढ़ में। तो आज फर्स्ट डे है और आज फिलहाल मैं जाने लगा हूँ और आई होप सो वहाँ बहुत फन आएगा और बहुत सारी ऑफ रोडिंग एक्टिविटीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। सो मेक श्योर टू वॉच पूरा व्लॉग। और हाँ, इस व्लॉग का शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज ऐसे ऐसे इवेंट और भी पंजाब चंडीगढ़ में होते रहते हैं तो आपको अपडेट मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय लेते इस व्लॉग को शुरू करते हैं। ओके सो गाइस, फिलहाल मैं जो हूँ फील्ड पे हूँ फॉरेस्ट हिल के अंदर और यहाँ पर जो है अलग अलग पाजियों ने इन्होंने सभी ने सेक्शंस बना रखे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन काउंटर है, सामने पीछे मैं दिखा देता हूँ, सामने रजिस्ट्रेशन काउंटर है और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ एक एक करके पार्क हो रही हैं। और हमारे साथ पाजी हैं, कैसे हैं पाजी आप? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन पंजाब ऑफ रोडिंग क्लब की टीम को जिन्होंने इतना बहुत बड़ा इवेंट करवाया है। एंड पाजी मेरे को आप थोड़ा सा बताइए कि आज जो है डे फर्स्ट है तो आज की क्या जितनी भी एक्टिविटीज़ वो क्या रहेंगी एंड सेकेंड डे एंड थर्ड डे की क्या रहेंगी? बेसिकली आज हमारा फर्स्ट डे है। आज हमारा व्हीकल का चेकअप होगा, एक तो पहले रजिस्ट्रेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो सबमिट करेंगे। उसके बाद हमारा इधर बे एरिया है, वहाँ पे व्हीकल चेक होंगे, सेफ्टी चेक होगा, फोर व्हील ड्राइव वर्किंग है वो चेक होगा, हेलमेट चेक किए जाएंगे। और उसके बाद हमारा अराउंड 4 o'clock फ्लैग ऑफ होगा। फ्लैग ऑफ के बाद हमारी अलग अलग टीम्स हैं, जैसे स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक जिप्सी जिसमें हमने कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, वो कैटेगरी अलग है। जो ओल्ड स्कूल जीप्स हैं वो अलग है, एसयूवी अलग है, कार अलग है, मॉडिफाइड अलग है। सब कैटेगरीज अलग अलग डिफाइन की हुई हैं। तो वो अलग अलग ग्रुप लेके जाएंगे, अपनी अपनी स्टेज करेंगे और वो स्टेज जो होगी आज शाम को 6 बजे शुरू होगी, वो नाइट स्टेज है। नाइट स्टेज, हाँ जी, क्योंकि नाइट एडवेंचर हमने करवाना था, ये हमने सोचा हुआ था पहले से। हमने बहुत शॉर्ट स्टेजेस दिए हैं पर ज़्यादा लेंथी भी नहीं दिए हैं, टाइम से फ्री हो गए और वहीं पर हमारा जंगल में ही डिनर है कॉम्पिटिटर्स के लिए। ग्रेट। सो आप लोग जो हैं इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये तो इनका मेरे ख्याल से फर्स्ट इवेंट है पाजी इस लेवल पे। एंड इसके बाद जो है बैक टू बैक इवेंट्स प्लान्ड है जो कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू आपको अपडेट मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच पाजी। बाकी मैं अपने ऑडियंस को फिलहाल कुछ कार दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल जिप्सी खड़ी है एंड ही इज़ अ वेरी बिग बीस्ट। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सी चीज़ है, इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस अबाउट इट। एंड यू कैन सी द टायर्स, यू कैन सी द पीछे पीछे के जो मतलब अलग ही लेवल का ये ऑफ रोडिंग मशीन उन्होंने तैयार किया यार। इट्स क्रेजी मैन, इट्स क्रेजी। एंड नाउ फिर आई थिंक हमें शाम तक की वेट करनी चाहिए और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आज रात क्या एडवेंचर होगा। ओके सो गाइस, यहाँ पर एक और दो गाड़ियाँ, मतलब एक ये थार ही है, ये देख सकते हैं, इस पर वैसे जीप का लगाया हुआ है। आई डोंट नो कि कौन सी बॉडी इसमें यूज़ की है इसको मॉडिफाई करने के लिए। एंड इधर एक और बहुत ज़्यादा खतरनाक, ये जो तो ये तो कंफर्म है कि ये जीप या थार में से एक है। अंदर से दिखाता हूँ, अंदर से इसका देखो, पीछे इसका रेडिएटर रखा हुआ है कि इतनी बड़ी मशीन है, इसका रेडिएटर बाहर निकालना पड़ा इनको। यार मशीन है ब्रो, वाह। सो गाइस, मतलब इतनी क्रेजी कार्स यहाँ पर अभी आने वाली हैं। अभी तो रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है एंड लेट्स सी कि कितना ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट हम यहाँ से आज आप सभी को डिलीवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और मज़ा आएगा आप सभी को। क्या बात है, बल्ले फोटो लो। ओके गाइस, सो मेरे साथ हैं पाजी गुरमीत विरदी। पाजी कैसे हैं आप? एंड पाजी इज़ अ लेजेंड इफ यू नो अबाउट ऑफ रोडिंग, मतलब ऑफ रोडिंग में जितने लोग उनको जानते हैं उनको पता है कि ही इज़ अ लेजेंड। एंड मैं पर्सनल इनका एक फ़ैन हूँ, मेरे को जो इनकी अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में मैं ज़रूर किस दिन पाजी हम एक स्पेशली आपके साथ एक वीडियो शूट करना चाहेंगे एंड विल डू डैट फॉर श्योर। तो पाजी अगर मैं बात करूँ पंजाब ऑफ रोडिंग क्लब का जो एक बहुत बड़ा इवेंट है, इस इवेंट के पीछे क्या मोटिव था एंड वट वॉज अ थॉट बिहाइंड द इवेंट एंड इवेंट क्यों, मतलब क्या है इवेंट, थोड़ा मैं चाहूँगा। ये जी ऑफ रोडिंग इवेंट है, ये
पंजाब ऑफ रोडर्स के वालों करा रहे हैं। ये हैगा पंजाब डी टूर 2021। मेन मकसद यही है कि करोना की वजह करके 2-3 साल तो कोई भी इवेंट किसी पास नहीं हो रहे तो काफ़ी देर तो सारा कुछ स्टॉप होया हुआ है। तो असं सा मेन मकसद असं चाहते हैं कि सारे ऑफ रोडर्स आन। तो ये काफ़ी सारिया कैटेगरीज ने जैसे एक्सट्रीम कैटेगरी भी है, एसयूवी कैटेगरी भी है, स्टॉक जिप्सी कैटेगरी है। तो असं यह भी चाहते थे सा मेन मकसद है कि ऑफ रोडर्स तो जाते ही जाते हैं पर जो एक नवे यंगस्टर ने या एक आम एक बंदा जिसके पास 4x4 गड्डी है लेकिन उन्होंने नहीं इन्ना एक्सपोजर, असं चाहते थे कि वो भी एक स्टॉक गड्डी लैके भी वो आए। और सारे नैचुरल ट्रैक है, नैचुरल ट्रेन है। सो मतलब बेसिकली कैटेगरीज इस वाइज हैं कि जिनकी जैसे जिनके फॉर्च्यूनर्स हैं दैट आर नॉट मॉडिफाइड उनके लिए एक ईजी लेवल का आपने ट्रैक ऐसा कुछ है और जो मॉडिफाइड है जो प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए उनके डिफरेंट। बिल्कुल, जिन्हें भी ट्रैक ने वो सारे असी गड्डी के अकॉर्डिंगली ही बनाए हैं ताकि गड्डी खराब ना हो, क्योंकि जो भी एसयूवी कैटेगरी वाला बंदा कोई आंदा है तो वह पहला कंसर्न यही होंगे कि मैं ऑफ रोडिंग करा तो मेरी गड्डी खराब नहीं होनी चाहिए। तो असं ट्रैक सारे बड़े ही डिटेल तरीके डिजाइन किए हैं कि अगर थार कोई लैके आता है, स्टॉक गड्डी लैके आता है या कोई एसयूवी अगर कोई फॉर्च्यूनर या एंडेवर लैके आता है तो उसकी गड्डी डैमेज नहीं होनी चाहिए लेकिन उन्होंने टेक्निकल और स्किल लेवल जो ऑफ रोडिंग का है जो उस गड्डी की जो कैपेबिलिटी हैगी है शायद उन्होंने ऑन रोड नहीं पता तो जो इतने आए तो जो ट्रैक के उत्ते करे तो उन्होंने पता लगे कि मेरी गड्डी कितनी कैपेबिलिटी है। दैन उस तो बाद फिर ऑब्वियसली फिर उन्होंने अगर अच्छा लगेगा तो फिर वो मॉडिफिकेशन वाले पास भी फिर वो जा सकते हैं। थैंक यू सो मच पाजी एंड आई होप सो पंजाब ऑफ रोडिंग क्लब और भी ऐसे ऐसे बड़े इवेंट कराते रहे एंड विल बी फॉर श्योर हम कवर करते रहेंगे उस चीज़ को। थैंक यू भाई। ओके सो फिलहाल हमारे को मिले हमारे कबीर पाजी, कैसे हो पाजी? ऑल गुड। सो आज आप कर रहे हो खुद? हाँ हाँ। अच्छा क्या बात है, फिर तो मतलब मजा आने वाला है। क्या बात, तो ये आप अपनी गाड़ी वाली इस बार लगा रहे हैं? हाँ। तो ये गाड़ी आपने शायद लास्ट पहले व्लॉग में भी देखी होगी, ये लास्ट व्लॉग में नहीं थी उससे पहले वाले व्लॉग में थी, साल हो गए है ना उस टाइम थी। सो तैयारी है बाजी पूरी है? तीन दिन हाँ तीनों दिन। वाओ। सो यहाँ पे अभी सारी की सारी जो है कार आप देख सकते हैं, दे आर लाइंड अप। एंड आज का जो बेसिकली इवेंट है, आज जो है एक तरीके से इंट्रोडक्टरी सा इवेंट है और कल पूरे दिन से चलेगा। आज अभी सिर्फ नाइट का ही सारा यानी इवनिंग का सारा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, कल पूरे दिन से सुबह से यहीं पर शुरू हो जाएगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूँ, थोड़े काम होते हैं, थोड़ा सा दूर पड़ता है मेरे फ्लैट से, बट विल सी, लेट्स सी व्हाट वी गोना डू। एंड देखो मुझे कार्ट बहुत बढ़िया लगी यार ये। ओके सो गाइस आप देख सकते हो सामने वो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये जो है बेसिकली लोकेशन है फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट की एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, आई हैव बीन हियर बिफोर मैनी टाइम्स। और अभी फ़िलहाल मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ पर और कुछ हो रहा है, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको इसी व्लॉग के अंदर कैरी ऑन करूँगा कल का व्लॉग। एंड मेक श्योर टू वॉच दैट व्लॉग एंड इट विल बी फन गाइस। ओके सो गाइज इट्स डे टू और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं वेन्यू पे। हम बिट लेट, यहां पर सुबह से ही सारी चीज़ें शुरू हो गई थी, अभी पीछे कोई गाड़ी नहीं खड़ी है, सारी गाड़ियां ट्रैक पे हैं, तो अभी हम ट्रैक पे चलते हैं, लेट्स सी क्या यहां पर हो रहा है और वी गोना हैव सम फन फॉर श्योर। ओके सो गाइज अभी बारी है फिलहाल जाने की, लोकेशन यहाँ से ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर दूर है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है जहाँ पर सारे के सारे ट्रैक बने हुए हैं। और बस अभी निकलने का टाइम है और देखो पीछे से गाड़ी, देखो गाड़ियाँ कितनी स्पीड में आ रही हैं, देख रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली इतनी लोकेशंस हैं, इतने इन्होंने सेट यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं, तो अभी जाएंगे एंड विल हैव सम फन। मेक श्योर टू वॉच पूरा व्लॉग। ओके गाइस सो ये खड़ी है हमारे कबीर पाजी की रैंगलर और इसका अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो आई बटन में व्लॉग आ रहा है, मेक श्योर व्लॉग देखना, इसके अंदर हमने कबीर पाजी के साथ व्लॉग बनाया है। और यहाँ पर आज कबीर पाजी भी आए हैं, लाइक लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था, और बड़े खतरनाक कारनामे यहाँ पर वो कर रहे हैं, मेक श्योर मैं आपको वो दिखाऊँ आपको सभी चीज़ें। एंड अभी यार मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे को कोई वहाँ तक लेके जाए। और ये बिन्ना पाजी हमारे, ये हमारे इसको घुमा रहे हैं कितनी देर से, तो अच्छा खासा बढ़िया माहौल है यहाँ पे। तो हमारे साथ है कबीर पाजी, कैसे हैं पाजी? डे टू फर्स्ट क्लास। और डे वन मैंने सुना बहुत बढ़िया गया कल, राइट? नाइट थी वैसे तो, नाइट डे ही था। ओके तो पाजी मैं जानना चाहूंगा कि इस ट्रैक के बारे में, जो ये एग्जैक्टली ये ट्रैक है, ये कितने मतलब कितना डिस्टेंस इसका ये कवर करता है और बेसिकली क्या क्या इसमें हर्डल्स हैं, जो क्या क्या आपको, आपने भी अभी तक 2-3 बार मेरे ख्याल से आप जा चुके होंगे ज्यादा शायद, तो क्या कहना चाहेंगे इस ट्रैक के बारे में? ये ट्रैक, ये वाली स्टेज इट्स प्रीटी सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल ज़्यादा नहीं है, सिर्फ स्पीड रन है ये। ओके तो जाना है और आगे से यू टर्न है,
वापस फिर वापस आना। इससे अलावा और कोई भी स्टेज है? अभी चार पांच सीरीज और हैं, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेज, तो आगे देखते हैं। क्या बात है, सो सही है यार। और ऑलमोस्ट कितने आपको लगते हैं कितने कंटेस्टेंट होंगे इससे में? राउंड है पूरे इवेंट में अराउंड 40। बहुत सही है यार, एंड आई होप सो बढ़िया जा रहा हो। मेरे को भी मेरे को क्यूरियोसिटी है कि वहाँ कैसा लग रहा होगा। अरे वाह, ये ओके सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ सभी के सभी जो है मॉडिफाइड व्हीकल्स खड़े हैं। दिस वन इज आल्सो मॉडिफाइड, ये कबीर भाई वाली है, थार है, बेसिकली थार का एक अलग, इन्होंने आपको कल मैंने बताया था, और ये है गुरखा। ये बहुत खतरनाक ऑफ रोडिंग 4x4 व्हीकल है, एंड कभी कभार मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं 4x4 व्हीकल ले लूँ, बट यार YouTube इतना पैसा नहीं दे रहा। आई होप कल को कभी पैसा दे तो हम भी कोई ना कोई 4x4 व्हीकल ले। एंड इट्स अ प्रीटी गुड लोकेशन, आपको पता है ये सारा एक रिजॉर्ट है, मतलब पहाड़ तक है इस रिजॉर्ट के अंदर। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि अगर मैं ऐसा कोई रिजॉर्ट में कुछ टाइम रहूँ मतलब बनता है यार एक आध दिन के लिए रहना यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज वी आर राइट नाउ एट स्टेज 2, तो बेसिकली यहाँ पर जो है स्टेज के अंदर भी स्पीड मीटर का ही गेम है। बेसिकली आपको सीधा जाना है, उसके बाद 90 डिग्री घूमकर पूरा ट्रैक कवर कर जो इंसान सबसे पहले गाड़ी लेकर वापस आएगा डेट विल बी द विनर। और ये नहीं कि ये बहुत ईजी ट्रैक्स है यार, टफ ट्रैक्स ये। पाजी यहाँ से नीचे जाना है जो ट्रैक के लिए निकलेंगे, वाह देख रहे हो, यहाँ से बिल्कुल नीचे जाना है, बिल्कुल नीचे उतर कर फिर पूरा ट्रैक कवर कर फिर वापस यहाँ पर आना है। ये कितने टाइम में करना है कम से कम पाजी? अभी तो टाइमिंग चल रही है। ओके तो कोई 2 मिनट ले रहा है, कोई 3 मिनट ले रहा है। तो ये सारे SUVs वगैरह के अंदर, थार फॉर्चूनर वगैरह, हाँ ये इन 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 मशीन के अंदर है। सही है यार, तो अभी देखते हैं क्या सीन रहेगा। लो जी अभी ये निकली है थार नीचे की तरफ, और वो पूरे एरिया में यहाँ पर आसपास जो है रोम 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 की आवाज आ रही है। और मेरे को जहाँ तक पता लगा है कि ये फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट जो है वो 300 एकड़ में है कम से कम। और अगर मैं बात करूँ पंजाब ऑफ रोडिंग क्लब की, तो पंजाब ऑफ रोडिंग क्लब तो बहुत टाइम से जो ये जितने भी ऑफ रोडर्स हैं चंडीगढ़ के, उन सभी ने मिलकर बनाया, पंजाब के जितने भी ऑफ रोडर्स हैं, एंड दे आर मतलब लेजेंड्स हैं ऑफ रोडिंग गेम के अंदर। तो अगर आप लोग भी ऑफ रोडिंग गेम के अंदर आना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू नो वट इज़ ऑफ रोडिंग, सो आप OTRs वगैरह जो ये अरेंज कराते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास कोई गाड़ी है, मशीन है, उसको लाकर यू नो ट्राई कर सकते हैं। और मुझे लगता है वो थार इतनी सेकंड में घूम के वापस आ गई। ये लो जी, ये मैन वो, ये देखो ये घूम के वापस आ गई। वहाँ इसका टाइम, जैसे ये लाइन क्रॉस करेगी इसका टाइम देखा जाएगा। क्या बात है, अभी एक मिनट भी पूरा नहीं हुआ, इतने में पूरी करके आ गई, इतने में बात कर रहा था। ओके गाइस, एज यू कैन सी इन्होंने जो है गाड़ी के अंदर भी हेलमेट पहने हैं, और देखो वहाँ पे बेल्ट लगाई हुई है फॉर द पर्सनल प्रोटेक्शन। तो एक गाड़ी के अंदर जो है बेसिकली एक ड्राइवर है एंड साथ में साथ एक गाइड है। राइट साइड से आपने बटन दबाकर खत्म करना है, स्टॉप स्टॉपवॉच ऑन करनी है और राइट से ही बंद करनी है, ठीक है। लेफ्ट से करोगे रीसेट हो जाता है टाइमिंग में। 3 2 1 ओ जी तो यहाँ पर गाड़ी वो खुद स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रही है एंड गाड़ी को खुद स्टार्ट करके लेकर वापस आने तक का टाइम देखते हैं कि इतनी जल्दी ये लोग आएंगे। लो जी गाड़ी वापस आने वाली है पूरा ट्रैक करके, एंड वो आ चुकी है कार। तो बेसिकली 121 मिनट 21 सेकंड के अंदर पूरा पूरा ये ट्रैक कवर करके वापस आ चुके हैं। दिस अ गुड टाइम यू नो, कूल।